अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आसिफ बात सिंह अब तो आपका मेरे चैनल पर भी खैर मकदम करता हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बरए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम 2023 केटेट कर्नाटका टीटी का पेपर टू का पार्ट वन यहाँ पर जो सवाली पूछा था उसको हल करने जा रहा है और उसके कलीदी जवाब की आंसर जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जो के आंसर्स होते हैं वो फाइनल जो डिपार्टमेंट की जानब से होते हैं उसको ही तस्लीम किया जाता है, लेकिन हम इसके ज़रिए जान सकते हैं कि यहाँ पर कौन से जवाब जो हैं ज़्यादा सही साबित हो सकते हैं। तो चलिए, तो जैसे आप देखते हैं यहाँ पर पार्ट वन लसान वन उर्दू पर्चा पहला पर्चा। तो यहाँ पर पहले आपको इबारत दी गई है, आलम इस्लाम में इब्ने माजिद एक बेहद एक बेमिसाल माहिर जहाज़रान की हैसियत से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम शोहाबुद्दीन अहमद इब्न माजिद है, लेकिन इब्न माजिद की मुख्तसर नाम से मशहूर हैं। इब्न माजिद की पैदाइश मुत्तहदा अरब इमारत के रासुल जीन में 1432 और 1437 के दरमियान हुई। इनके वालिद और दादा दोनों मशहूर जहाज़रान थे। इब्न माजिद एक आलिम और बेहतरीन मुसन्निफ थे। जहाज़रानी के उसूलों और कवानीन पर उन्होंने अरबी ज़बान में अपनी मशहूर किताब कौन सी है, किताबुल फ़वाइद फ़ी उसूल इल्म अल-बहर वल-क़वाइद 1462 में लिखी। दरअसल इब्न माजिद दुनिया के अव्वल साइंसदानों हैं जिन्होंने बहरी साइंस और जहाज़रानी पर बहरियात पर कसीद मवाद फराहम किया। इब्न माजिद ने अपनी किताबों में बहर अहमर, खरीज अरब, बहर हिंद, मगरब चीन और जनूब मगरब एशिया के समंदरों में जहाज़रानी से मुतालिक नहायत मुफीद हिदायत कलमबंद किए। बहर कुलज़ुम पर किताब बहर कुलज़ुम पर लिखी तफसीलात को दौर हाजिर के माहरीन बहरियात ने बहुत सराहा है। इब्न माजिद ने हज़ ज़रूरत मौजूदा कुतुबनुमा में बहुत से इख्तराआत सर अंजाम दी जिसकी बिना पर इन्हें मौजूदा कुतुबनुमा का मुआज़िद माना जाता है। कहा जाता है कि वास्कोडी गामा अफ्रीका के मशरिकी साहिल मौजूदा कीनिया के कलमबंदी बंदरगाह पर मुश्किल का सामना कर रहा था क्योंकि बहर अरब को पार करना आसान काम नहीं था। 1498 ईस्वी में उसकी मुलाकात इब्न माजिद से हुई जिसने न सिर्फ वास्कोडी गामा की रहनुमा की बल्कि नाखुदा बनकर इसके जहाज को अफ्रीका से सही सलामत हिंदुस्तान पहुँचाया। इब्न माजिद के बाप दादा के और जहाज़रानी में महारत की बिना पर मौलिम के लकब से याद किया जाता है जबकि इब्न माजिद को बहरों का जानशीन असदुल बहर के लकब से याद किया जाता है। ये इबारत आपको दी गई थी। अब इस इबारत से जो पूछे गए सवाल आपको क्या है, आलम इस्लाम में इब्न माजिद इस हैसियत से जाने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इबारत का जो पहला जुमला है वो यहाँ पर इसी से है कि वो किस हैसियत से जाने जाते हैं, तो उसका सही जवाब है माहिर जहाज़रा, ये इसका सही जवाब है। और दूसरा, जिस समंदर के बारे में इब्न माजिद की लिखी हुई तफसीलात को सराहाया गया वो है कौन सा समंदर है, वो यहाँ पर आपने देखा कि वो समंदर यहाँ पर बहर कुलज़ुम है। बहर कुलज़ुम के मुतालिक उन्होंने लिखा जिसके मुतालिक यहाँ बहुत उसको सराहाया गया। अब नाखुदा के माने तो जो है जहाज का कप्तान होता है, जो जहाज का कश्ती का मालिक होता है वही उसी को हम नाखुदा कहते हैं। तो यहाँ पर नाखुदा के माने जो है जहाज का कैप्टन। अब इब्न माजिद की अरबी ज़बान में लिखी हुई किताब, जैसे हमने देखा वहाँ पर हमने यहाँ पर नोट भी किया था कि वो किताब कौन सी है यहाँ पर, हाँ, किताबुल फवाइद फी उसूल इल्म अल-बहर वल-क़वाइद, ये जो है वो किताब है जिस पर यहाँ पर इब्न माजिद की अरबी ज़बान में लिखी हुई मशहूर किताब है ये कवायदुल फवाइद। उसके बाद जो है 1498 ईस्वी में इब्न माजिद की मुलाकात किससे हुए, आपने देखा कि वहाँ पर जिस शख्स से वो मुलाकात हुई वो कोई और नहीं बल्कि वास्कोडी गामा था, वास्कोडी गामा से उसकी मुलाकात हुई। तो इसका ये दूसरा जवाब जो है यहाँ पर सही है। और इब्न माजिद को इस लकब से याद किया जाता है, जैसे आपने आखिरी इबारत का आखिरी जुमला देखा कि उसमें जो है असदुल बहर के लकब से उनको याद किया जाता है। तो इसका जो जवाब है पहला जवाब जो है यहाँ पर सही जवाब है। अब
इब्ने माजिद ने अपनी किताबों में जो नहायत मुफीद हिदायत कलमबंद की हैं, तो तमाम इबारत जो है जहाज से मुतालिक है, जहाज रानी से मुतालिक है। तो यहाँ पर जहाज का मामला आ रहा है, जहाज रानी का मामला आ रहा है, तो जहाज रानी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। और वास्को डी गामा अफ्रीका के मशरकी साहिल मौजूदा कीनिया के कलमबंदी बंदरगाह पर मुश्किल का सामना कर रहा था, क्योंकि क्योंकि क्यों आप जानते हैं, उसको बहरे अरब को पार करना आसान नहीं था, जिसमें यहाँ पर हमारे इब्ने माजिद ने उसकी मदद की। तो इसका जो सही जवाब है वो दूसरा जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब जिस तरह नसर से ये पूछा गया, इसी तरह एक नज्म दी जाती है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर जवाब देने होते हैं। मेरी जबान उर्दू जबान, फकरे जहान उर्दू जबान, प्यारी है बोल मीठी जबान उर्दू, रखती है अपने अंदर सारा जहान उर्दू, भाषाओं की जमीन का एक आसमान उर्दू, दुश्मन को दोस्त कर ले ऐसी जबान उर्दू, खुसरो का राग है ये मुरली की तान उर्दू, गीतों की आबरू है गजलों की जान उर्दू, है कौमी एकता की आन और बान उर्दू। जैसे हम देखते हैं ये नज्म जो है उर्दू की तारीफ में लिखी गई है, तो इसका जो पहला सवाल है, इस नज्म को अनुमान ये हो सकता है, चूंकि उर्दू है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उर्दू की तारीफ हो रही है, तो मादरी जबान, रियासती जबान, कौमी जबान, तो ये अपनी अपनी जगह है, लेकिन नज्म का जो अनुमान है अगर हो सकता है मेरी जबान उर्दू, यानी चौथा इसका सही जवाब है। अब शायर के मुताबिक सारा जहां अपने अंदर समो लेने वाली जबान, तो उर्दू की बात हो रही है तो सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा उर्दू, है ना। तो उर्दू जबान को इस शायर का राग कहा गया है, उर्दू जबान जिस शायर का राग कहा गया है वो यहाँ पर ऐसी जबान उर्दू, खुसरू का राग है ये, तो यहाँ पर जिसका राग है वो किसका हाल ही मीर गालिब का नहीं बल्कि खुसरू का राग उर्दू जबान को यहाँ पर बताया गया है, तो तीसरा जवाब यहाँ पर सही नजर आता है। शायर ने उर्दू को जिसके आबरू कहा, गजलों की, गीतों की, नज्मों की, तो इसका सही जवाब है वो है शायर ने गीतों की आबरू इसको कहा है इस नज्म में। फकरे जहां लफ्ज के माने, अब कवायद के हिस्से में जब देखते हैं यहाँ पर अल्फाज माने आ रहे हैं मुतरादिफात की सूरत में मुख्तलिफ, तो फकरे जहां यानी जहां यानी दुनिया, फकर यानी नाश करना, तो शान व शौकत इज्जत मदन जहां की दौलत ये दुनिया, बल्कि दुनिया जिस पर नाश करे उर्दू, दुनिया जिस पर नाश करती है, तो इसका सही जवाब है चार, उर्दू जबान इसकी आन और बान है। किसकी आन और बान है, तो आखिर में हमने देखा था ये कौमी एकता की आन और बान है, तो इसका सही जवाब है एक। और दुश्मन को दोस्त बनाने वाली जबान कौन सी है, तो जाहिर सी बात है कि उर्दू की बात हो रही है तो वो उर्दू जबान ही हो सकती है, मकामी, मादरी, दोस्त, ये सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन हम नज्म की बहस देखेंगे तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा चार। अब यहाँ पर मुश्किल का मुतजाद, मुतजाद यानी अपोजिट, मुश्किल और आसान, तीसरा जवाब ये तो बड़ा आसानी है, तकलीफ परेशानी अरमान, ये तकलीफ परेशानी मुश्किल का ही मामला है, अरमान तो होते हैं लेकिन उसका जो सही जवाब है वह है आसान। सराहना का मुतरादिफ, अब किसको सराहते हैं, जो अच्छा काम करता है अरे उसका मुतरादिफ होगा तारीफ करना। नंबर एक, डांटना, तंज करना, तनकीज करना, ऐसे मामले में किसी को सराहाया नहीं जाता। दुश्मन का मुतरादिफ, मुतरादिफ हम माने लफ्ज, तो दुश्मन का मुतरादिफ क्या है यहाँ पर, रफीक यानी दोस्त, दोस्त दोस्त ये सब आशना है, ये सब हम माने में आ जाते हैं, दोस्त और रफीक आशना हम माने हैं, लेकिन इसका जो है मुतरादिफ क्या है, रकीब, रकीब जो है दुश्मन का मुतरादिफ है, तो दूसरा जवाब यहाँ पर सही है। वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, काम का जिसमें करना या होना जाहिर होता है वह हमेशा क्या होता है, फेल होता है, जबकि फाइल काम करने वाला, मफूल जिससे काम के मुतालिक, जिस पर काम का असल होता है, फेल मुतालिक फेल जो फेल के ताल्लुक से यहाँ पर बयान होता है, तो इसका सही जवाब है नंबर तीन। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जिसे हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया जाए कहलाता है,
मरसिया तो नज्म है, लतीफा तो नहीं हो सकता, ये नसर का एक हिस्सा है। जबकि यहाँ पर दो अहम ऑप्शन है, कहावत और मुहावरा, ये दोनों भी जो है यहाँ पर एक नुक्ते नजर से देखें तो दोनों सही है, दोनों भी जो है मजा हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में, कहावत भी मजाजी मानों में इस्तेमाल की जाती है, मुहावरा भी जो है मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे उमूमन इसको मुहावरे के तौर पर लेता है तो हम मुहावरे के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहावत और मुहावरा यह तो जो है आपको यहाँ पर बोनस मास के तहत होना चाहिए। लेकिन अब देखेंगे कि क्या इसके आंसर्स आते हैं, तो इसका सही जवाब जो है मुहावरा या कहावत दोनों भी है, क्या दोनों भी वही है, लेकिन मुहावरे से हम इक्तफा कर लेंगे। जबान का हकीकी लुत्फ, अब पेडागोजी के सवाल जो आ रहे हैं, जबान का हकीकी लुत्फ इस तरह से उठाया जाता है, आप कैसे उठाते हैं, नगमों और गीतों को तरुण से गाते हुए। तो पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर वही है जिसके जरिए हम जबान का हकीकी लुत्फ उठाते हैं, तो इसका पहला जवाब जो है सही जवाब है। और इशारों की जबान ये तादाद जो है उमूमन यहाँ पर तीन होती है, एक देखना, आँखों से इशारे, हाथों से इशारे, जबान से इशारे, तो यहाँ पर तीन इशारे होते हैं। अब ये भी देखेंगे कि इसका क्या यहाँ पर सही जवाब आता है, तो यहाँ पर इसका जवाब होगा नंबर तीन। और तालीम इस्लाह और तरक्की के लिए हुकूमत ने 1952-53 में जो कमीशन मुकर्रर किया था, 1952-53 का जो कमीशन है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, तो इसका जवाब होगा नंबर तीन। अब देखिए बच्चे को घरेलू जबान से स्कूली जबान की तरफ मुंतकिल करना है, अब बच्चा घर से स्कूल आ रहा है, अब स्कूल की जबान उसमें मुंतकिल करना है, तो सहूलत फराहम करने वाला कौन, यहाँ पर स्कूल में जो सहूलत फराहम करता है वो कौन है, जाहिर सी बात है उस्ताद है, तो इसका जवाब जो है उस्ताद। मुताले के इस तरीके में बच्चे एक एक हरूफ को अलग अलग करके पढ़ते हैं, हरूफ को अलग अलग करके पढ़ना, हरूफ जो है सिर्फ हरूफ तेजी का हिस्सा है, तो हरूफ तेजी में जो है बच्चे हर हरूफ को, हर हरफ को क्या करते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं, तो इसका जवाब जो है यहाँ पर नंबर दो है। बच्चे फितरी तौर पर अपने ख्यालात और ज़रूरियात का इजहार इस शक्ल में करते हैं, बच्चों की ज़रूरत और ज़रूरत हो तो किस में आपको अपनी ज़रूरत का इजहार किस में करते हैं, अपने आवाज़ों के ज़रिए क्या है वो अपनी ज़रूरत का इजहार करते हैं, आवाज़ जुमलों लफ्ज़ों हरफों, ये तो जो है ये बात की बात होती है, लेकिन पहला जो होता है वह आवाज़ ही होते हैं। ज़बान के इजहार और अबलाग का दूसरा मारूफ ज़रिया, ज़बान में हम सबसे पहला ज़रिया इस्तेमाल करते हैं गुफ्तगू, गुफ्तगू के ज़रिए जो है ज़बान जो है इजहार इबलाग का सबसे बड़ा ज़रिया है। उसके बाद जो है उसका दूसरा जो मारूफ ज़रिया है वो है तहरीर, यहाँ पर ज़बान के ज़रिए यहाँ पर लिखते हुए, ये समाप्त तो सुनना खानगी है पढ़ना, तो यहाँ पर जहाँ तहरीर जो है इसका सही जवाब यहाँ पर नज़र आता है। और बच्चों के आदाब और गुफ्तगू से वाकिफियत का इनसार माहौल के इस अवामिल पर होता है, बच्चे जो भी आदाब गुफ्तगू हैं वाकिफियत आदब गुफ्तगू के आदब से वाकिफ होते हैं, उसका सबसे बेसिक इनसार क्या है यहाँ पर हम देखेंगे, ये तमाम जो हैं सब के सब करीबी हैं, लेकिन बच्चा जो सबसे ज़्यादा समझता है वो अपने ख़ानदान से, ख़ानदान में उसके बुजुर्ग आते हैं, घर का माहौल आता है, उसके बाद जो है वो बच्चा जो मदरसा तो बाद में जाता है, लेकिन पहले जो है वो गुफ्तगू के आदाब से वाकिफ अपने ख़ानदान से होता है, तो इसका जवाब जो होगा चार होगा। तदरीस के इस तरीके से बच्चों में फितरी तौर पर आमोजिश होती है, कौन सा ऐसा तरीका जिससे हम नेचुरल लर्निंग बच्चों में पैदा होती है, तो देखो और बोलो ये भी एक करीबी है, लेकिन सबसे जो करीबी है वो है नली कली, खेलो सीखो जिसको हम कहते हैं, बच्चे खेलने खेलते हुए जो है सीखते हैं, इसीलिए इब्तदाई में किंडरगार्टन वगैरह का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अव्वल दसवीं जमात में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आखिरी सवाल है, शुमाली अमेरिका में इन कबाइल के पास इशारत का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है, तो देखेंगे तो नेग्रो जो है ये ज़्यादातर अपना अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज़ में मंगल जो है इधर अपना अफगान वगैरह में नज़र आते हैं, इसका जो सही जवाब है वो है सुर्ख हिंदी, है ना, वाइट रेड हिंदी, कुछ जो है रेड इंडियंस जो आता ना, तो वो जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, क्योंकि अब शुमाली अमेरिका में जो पाए जाने वाले कबाइल हैं वो सुर्ख हिंदी हैं। तो उम्मीद करता हूँ
कि आपने इन तमाम कैंसर्स को नोट किया होगा। अब देखेंगे इसमें कितने सही जवाब जो है हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से आते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।